आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे सेवन सिस्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व की सात बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं। पूर्व की सात बहनों में सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये सात राज्य पूर्व की सात बहनों का हिस्सा माने जाते हैं। ध्यान रखना, जो सिक्किम है, सिक्किम पूर्व की सात बहनों का हिस्सा नहीं है। ये सात राज्य ही हैं जो पूर्व की सात बहनों में आते हैं, सिक्किम नहीं आता। दूसरी है कि इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है, जो अभी प्रेजेंट में तो आपके एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते थे वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर आज भी जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जहाँ आपके वन मिलते हैं तो वनों में क्या मिलता है आपको? जंगली जानवर मिलते हैं, और जंगली जानवर के साथ क्या मिलते हैं? नाग भी मिलते हैं, सांप भी मिलते हैं। तो जहां पेड़ होंगे तो वहां क्या होंगे? नाग होंगे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के नीचे के राज्य का नाम है नागालैंड। ये याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूं। जहां नाग मिलते हैं तो नागों के पास क्या मिलता है? मणि मिलती है, तो नीचे के राज्य का नाम है मणिपुर। जब आपको मणि मिलती है तो आप क्या सोचते हैं? यार मौज आ गई, यानी कि बहुत हमें मौज आ गई है, तो नीचे के राज्य का नाम क्या है? मिजोरम, यानी कि मजे आगे हैं, तो नीचे का कौन सा है? मिजोरम। जब आपको नाग भी मिल गई, मणि भी मिल गई, मौज भी आ गई, तो आप क्या करेंगे? चलो ठीक है, तीन धाम की यात्रा करने चलते हैं। और तीन धाम की यात्रा करने चले तो अगला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और तीन धाम की यात्रा करने कहाँ जाएंगे? पहाड़ों पर जाएंगे, तो ऊपर का कौन सा राज्य है आपका? असम। और पहाड़ कहाँ होंगे? पहाड़ों पर क्या होगा? बादल होंगे, है ना, मेघ होंगे। मेघ को क्या कहते हैं? बादलों को क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। तो ऊपर का राज्य कौन सा होगा? मेघालय हो गया। इसी ट्रिक से आप पूर्व की सात बहनों को याद कर सकते हैं। इसी ट्रिक से आपका म्यांमार से मिलने वाले राज्य कौन कौन से हैं, बंगाल से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, भूटान से, चीन से, इन सब से कौन कौन से राज्य मिलते हैं। और इसी ट्रिक से आप देखना, टेनियर उठा के देखना, आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी ट्रिक से लग जाएंगे आपके। अगला ये है कि भारत के चार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा तीन देशों से मिलती है, और ऐसे कौन कौन से हैं? पहला है आपका लद्दाख। जो लद्दाख है, लद्दाख की सीमा तीन देशों से मिलती है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, और तीसरा है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या, वो ऊपर देखेंगे बहुत छोटी सी मिलती है लगभग, यानी कि मैप में तो बहुत छोटा दिखाई देगा, लगभग कहीं पे 103 मिलता है, कहीं 104 मिलता है। तो 104 किलोमीटर की जो सीमा है आपकी किससे मिलती है? अफगानिस्तान से मिलती है। तो तीन देश जो है आपके लद्दाख से सीमा बनाते हैं। अगला है आपका सिक्किम। सिक्किम की भी जो बाउंड्री मिली है वो किससे मिली है? तीन से मिली है। किस किस से? एक है आपका भूटान है, इधर आपका नेपाल है, और ऊपर आपका कौन सा है? चाइना है। इन तीनों से आपकी किसकी सीमा मिली है? सिक्किम की मिली है। चौथा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है आप यहाँ देखेंगे, बांग्लादेश से मिलती है, नेपाल से मिलती है, और भूटान से मिलती है। इन तीनों से सीमा कौन बनाना है आपका? पश्चिमी बंगाल बनाता है। अब है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी आपकी तीन देशों से होती है। आप इधर देखेंगे, ये है आपका म्यांमार, ऊपर है आपका चीन, और इधर है आपका भूटान। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी तीन देशों से मिलती है। तो ये चार राज्य हैं जिनकी सीमा किन से मिलती है? तीन देशों से मिलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो आपकी किससे मिलती है? अन्य देशों से मिलती है। 18 राज्य, जैसे आप इसमें देखेंगे, पहले आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है, और आपका इधर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय और असम।
ये 18 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है, आपकी अन्य देशों से मिलती है। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप इस मैप में भी देखेंगे तो भारत का ऐसा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा आपकी जो तीनों ओर से किससे है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं। तो भारत के ऐसे जो पूर्व की सात बहनों में ये भी क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के कि पूर्व की सात बहनों में ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तो पूर्व की सात बहनों का हिस्सा है तो इनकी सीमा भी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन, अगला है सिक्किम। सिक्किम की सीमा भी आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये आपके चार ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। और अगला ये आता है कि भारत के स्थलरुद्ध राज्य, स्थलरुद्ध का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनकी सीमा केवल स्थल से मिलती है, जल से नहीं मिलती है। अब हम राज्य की बात कर रहे हैं, हम देश की भी बात करते हैं तो देश में भी होता है कि जिनकी सीमा स्थल से मिलती है, जल से नहीं मिलती है। तो भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा किससे मिलती है, स्थल से मिल रही है और जल से नहीं मिलती, तो ऐसे आपके पाँच राज्य हैं। पहला है आपका हरियाणा, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा है आपका तेलंगाना। ये पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी स्थल से मिलती है, जल से नहीं मिलती। अगला है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है जैसे कि चांद आधा दिखाई देता है, उसी तरीके से है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार समुद्र आपका भारत में कहां पर है, तो वो कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी में एक स्थान है कैप कैमरून, तो वहां पर अर्धचंद्राकार समुद्र का हमें देखने को मिलता है। अर्धचंद्राकार का मतलब है कि वह स्थान जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं, तो उस स्थान का नाम है कैप कैमरून, ठीक है, कैप कैमरून। तो यहां पर आपके तीनों सागर और महासागर आकर मिलते हैं जो भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है। आगे है कि भारत के जल और थल दोनों की सीमा बनाने वाले देश, यानी कि भारत से जल से भी सीमा बनाते हैं, भारत की जो जल की बाउंड्री है सागर और महासागर में उनसे भी बनाते हैं और प्लस किससे बनाते हैं, स्थल से भी बनाते हैं। तो ऐसे तीन देश हैं, जैसे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा आप इधर देंगे गुजरात में, गुजरात में स्थल से भी मिल रही है और फिर आपका जल से भी मिल रही है। इधर आप देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपके पांच राज्य हैं जो है स्थल से भी सीमा बना रहे हैं और प्लस आपका जो पश्चिमी बंगाल है वो आपका किससे है, जल से भी सीमा बना रहा है, ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश दोनों की बाउंड्री मिलती हैं। इधर आपका म्यांमार है, म्यांमार से भारत के चार राज्यों की सीमा मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और प्लस आपकी जल से भी सीमा मिलती है। तो इस तरीके से आपके तीन देश ऐसे हैं जो जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं। अगला ये है कि भारत के दो राज्य ऐसे हैं जिनकी जल और थल दोनों से सीमा मिलती है, यानी कि वो दूसरे देशों से जल से भी सीमा मिलाते हैं और थल से भी सीमा बनाते हैं, जैसे गुजरात, गुजरात की पाकिस्तान से स्थल वाला यानी कि जो भूमि है भूमि वाला पार्ट भी मिला हुआ है और जो जल वाला पार्ट है समुद्र वाला पार्ट है वो भी भारत, गुजरात का और पाकिस्तान का मिला हुआ है। अगला है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो आपका बांग्लादेश है उससे जल से भी सीमा बना रहा है और आपका किससे है, स्थल से भी सीमा बनाता है। आप जैसे यह है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो आपका पश्चिमी बंगाल में भी आ जाता है और बांग्लादेश में भी आ जाता है, तो ये जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं,
ठीक है। अगला ये है कि भारत का और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है उस स्थान का नाम है मानिसराम, और ये मानिसराम पड़ेगा मेघालय में, जहां पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगी तो मानसून में पूरे विस्तार से समझाऊंगी। जब आपके यहाँ मानसून आता है तो मानसून की 3 शाखाएं होती हैं। जब इक्वेटर को क्रॉस करता है तो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद जब आपकी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं तो आपके राइट हैंड साइड मुड़ जाती हैं, तो उसकी 3 शाखाएं होती हैं। एक केरल से एंटर करती है, दूसरी गुजरात से एंटर करती है, और तीसरी इधर पश्चिम बंगाल से एंटर करते हुए आपके मेघालय तक पहुंच जाती है। और मेघालय में आपने 3 पहाड़ियों के नाम सुने होंगे जिन्हें कहते हैं गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां। ये एक पीक की तरह है पहाड़ियां। इन पीक में जो मानसून है वो आकर फंस जाता है और फंसने की वजह से निकल नहीं पाता है। जब निकल नहीं पाता है तो जो आपका रेनफॉल है, जो बारिश है, उसमें नमी होती है, आर्द्रता होती है, इस वजह से उस मानसून में बारिश वहीं पर हो जाती है। तो मानसून गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों में फंस जाता है और फंसने की वजह से वहीं पर बारिश हो जाती है। और दूसरा है कि भारत का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है ये आपका लद्दाख में पड़ेगा। स्थान का नाम है लेह, जहां पर 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी गुजरात वाली शाखा है, केरल वाली शाखा है, और जो ये आपकी ये असम वाली इधर वाली शाखा, और ये तीनों जाके ऊपर जाती हैं तो ये हिमालय से टकराकर नीचे ही बारिश कर देती हैं और ऊपर की ओर जाने पर जो आपकी आर्द्रता है वो कम होती चली जाती है, तो रेनफॉल जो है वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होता। ह्यूमिडिटी का मतलब है जिसे आप नमी भी कहते हैं, आर्द्रता भी कहते हैं, उमस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं उमस कह देते हैं, इसे हम ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं आर्द्रता और इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती चली जाती है उसी तरीके से रेनफॉल भी कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, ये हमने इस वीडियो में देखे हैं, ठीक है ना। ओके It's caught in the crossfire